दोस्तों आप सब कैसे हैं आज हम आपको आसान तरीके से चटपटा नाश्ता बनाना सीखते हैं हमने गाजर ले रखी है और गाजर का पहले से ही हमने पीछे का हिस्सा और ऊपर का लेयर हटा दिया था अब हम सभी गाजर को काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस देखिए हमने सभी गाजर काट लिया अब हम एक मिक्सी का जार लेंगे सभी गाजर को हम मिक्सी में डाल देंगे और एक कप के करीब में हम पानी डालेंगे पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि गाजर हार्ड होती है पिसती नहीं है और आसानी से पानी डालने पे पिस जाएगी इसलिए पानी का प्रयोग करेंगे अब आइए अब हम चेक कर लेते हैं देखिए गाजर पिस चुकी है अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे और जो इसमें छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसे हम साइड रख देंगे अब हम आधा कटोरी के करीब में मैदा लेंगे आधे कटोरी के करीब में अब हम सूजी लेंगे आसूजी बारीक दाने की होनी चाहिए आपके पास ना हो तो आप मिक्सी में पीस सकते हैं अब हम इसमें इलायची पाउडर लेंगे आधा टेबल स्पून के करीब में अब हम इसे मिला लेंगे बराबर हम मिला लेंगे अब हम तीन टेबल स्पून के करीब में मिल्क पाउडर लेंगे आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं अब हम इसे मिला लेंगे सभी चीज़ों को बराबर देखिए इस तरीके से नहीं दूध इस लिक्विड में जमने लगता है ठक्के बन जाते हैं इसलिए हम बराबर मिलाते रहेंगे देखिए सभी चीज़ें आपस में मिल चुके हैं अब एक घोल गाढ़ा है अब हम इसमें थोड़ा सा पानी का प्रयोग करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे आप दूध भी ले सकते हैं हम मिल्क पाउडर डाले थे इसलिए हम दूध का प्रयोग नहीं करेंगे हम पानी का प्रयोग कर रहे हैं अब हम बराबर इसको मिलाते रहेंगे और लिक्विड गाढ़ी नहीं होनी चाहिए ये मीडियम होना चाहिए देखिए हमारी लिक्विड ना ज़्यादा गाढ़ी है ना पतली है मीडियम में है अब हम फूड कलर लेंगे कलर लाने के लिए हम फूड कलर लिए हैं अब हम इसे बराबर मिला लेंगे ताकि हमारा कलर आपस में मिल जाए देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इस तरीके से हम बराबर मिलाते रहेंगे देखिए कितना अच्छा लिक्विड बना है आप बेकिंग पाउडर लेंगे आधा टेबल स्पून के करीब में इसमें इनो या मीठे सोडे का प्रयोग ना करें नहीं जब हम मालपुआ तलेंगे तो फटने के चांसेस रहते हैं इसलिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग कर रहे हैं अब हम इसे बराबर मिला लेंगे देखिए हमारा घोल रेडी हो चुका है अब हम इसे पंद्रह मिनट के लिए ढक के रख देते हैं तब तक हम चाशनी बना लेते हैं गैस पे हम कढ़ाई रख दिए हैं एक कटोरी के करीब में हम चीनी लिए हैं और डेढ़ कप के करीब में हम पानी ऐड करेंगे चाशनी बनाने के लिए पानी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करेंगे डेढ़ कप पी लेंगे अब हम इसे चला लेंगे चाशनी हमारी गाढ़ी नहीं बननी चाहिए पतली होनी चाहिए चिपचिपा अब हम इसमें तीन इलायची के बीज लिए हैं और थोड़ा थोड़ा ऊपर से खोल लिए हैं अब हम इसमें चाशनी में ऐड कर लेंगे अब हम केसर के धागे लिए हैं चार पाँच धागे लिए हैं देखिए केसर का कलर छोड़ दिया है चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है जो हमने पंद्रह मिनट के लिए ढक के रखा था लिक्विड वो अब रेडी हो चुका है अब हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे रिफाइंड ऑयल लिए हैं अब हम बने हैं लिक्विड को अब हम कढ़ाई में इस तरीके से डाल देंगे हमें इसे पलटना नहीं है देखिए कितना अच्छा बन रहा है अब हम हल्के हाथ से पलट देंगे देखिए कितना अच्छा हमारा मालपुआ बन रहा है अब हम सभी को बना लेंगे हमने दो बार में बनाया है अब हम इसे ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे ताकि ऊपर का भी पक जाए अब हम इसे पलट लेंगे फ्लेम धीमी होनी चाहिए धीमी आंच पे ही पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा बन रहा है कितना अच्छा कलर आया है हमारा बन चुका है अब बनी हुई चाशनी में हम एक एक करके सभी पीसेस को डाल देंगे इस तरीके से अब हम इसे पलट देंगे देखिए अब सर्व के लिए रेडी हो चुका है अब हम एक करके पीस को निकालते हैं और बहुत ही स्पंजी बनता है आप एक बार जरूर बनाइए देखिए कितना स्पंची है देखिए इसमें चासनी भिन गई है आप देख सकते हैं चाशनी रहा है और एक बार आप ज़रूर बनाइए इस रेसिपी को अब हम एक पीस साइड करके कट कर रहे हैं देखिए कितना अच्छा बना है और कितना सॉफ्ट है हमारा मालपुआ गाजर का रेडी हो चुका है सर्व के लिए आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसे लगी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आइकन दबाना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ ओके बाय